बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बादाम ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो चीजें चाहिए होंगी, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर मिल्क ले ली, यानी कि दूध 1.5 लीटर, 45 बादाम ले लिए मैंने। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। 10 मिनट के बाद मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगी, ये देखिए ये आसानी से ये अलग हो जाएंगे। और फिर मैं इसके अंदर दूध डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लूंगी। थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको पतली पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैं शुगर ले रही हूँ, ये मैंने 5 टेबल स्पून शुगर ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पिस्ता लिया है, ये क्रश हुआ हुआ पिस्ता है, ये 2 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून मैं बीच में यूज करूंगी और 1 टेबल स्पून एंड में यूज करूंगी। और 1 टेबल स्पून मैंने बादाम ले लिए कटे हुए। यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता और बादाम ले लिया। ये मैंने वनीला कस्टर्ड लिया 2 टीस्पून। इसको मैं ये थोड़े से दूध में मिक्स कर लूंगी और थोड़ी पेस्ट बना लूंगी पतली सी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लंग्स वगैरह ना रहे इसके अंदर। और ये मैंने चिया सीड्स ले लिए हैं, यानी कि तुख मलंगा 1 टीस्पून ले लिया है। इसको भी मैं पानी डाल दूंगी इसमें और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। थोड़ी देर के बाद ये बहुत फूल जाएगा। तो आइए आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो मैं इसकी आग लो टू मीडियम रख दूंगी और इसको तकरीबन आधे घंटा पकाऊंगी इसको, ताकि इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए और थोड़ा सा ये थिक हो जाए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने 1 टेबल स्पून बादाम लिए थे ये ऐड कर दूंगी और जो पिस्ता है इसमें से मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने लिया था। इसको बस और तकरीबन 10-15 मिनट पका लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इसको पकते हुए तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो बादामों का मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूंगी। और इसमें शुगर जाएगी, यानी चीनी। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए आप पका लें, फिर इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। अब इसको 2 मिनट हो गए पकते हुए, अब हम इसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे। ऐसे ऐसे से डालिएगा कस्टर्ड, इसकी गुठलियां नहीं बननी चाहिए। और इसको मिक्स करते जाएं। बस इसको 2 मिनट पकाएंगे और इसको फिर आग बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। जब अच्छी तरीके से चिल होगा फिर हम इसको निकालेंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया, इसके अंदर ये जो बाकी बचे हुए पिस्ते थे ये मैं डाल के मिक्स करूंगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी जब तक ये बहुत चिल हो जाएगी। इसको मैंने फ्रिज में 4 से 5 घंटे रख दिया था। ये अच्छे तरीके से अब ठंडा हो चुका है। इसके अंदर अब मैं तुख मलंगा डालूंगी। पहले 2 टेबलस्पून डाल के देखती हूँ, अगर और जरूरत होगी तो फिर और डाल लेंगे। तो मलंगा को मैंने स्ट्रेनर में अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लिया था, तो ये अब मैं तकरीबन सारा ही जा रहा है। 3 टेबलस्पून ये निकला है तकरीबन, तो ये हम सभी ऐड कर लेंगे। अब आपको इसको सर्व करके दिखा दी। ग्लास में सबसे पहले आइस डाल ली है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसको हम फिल करेंगे। ये बहुत ही मजेदार और बहुत फरहत बख्श ड्रिंक है। ये आप खुद इसको पीकर फ्रेशनेस फील करेंगे। जाते जाते मैं आपको दूध पीने की दुआ बताती चलूं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन, ए अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत फरमा और इससे भी ज्यादा नायत फरमा। ये आप खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों से भी कहें कि दूध पीने के टाइम पे पढ़ा करें। और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।